गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6 गोविंदनगर इंग्लिश स्कूल। टुडे वी स्टार्ट एस ए सब्जेक्ट चैप्टर 3 एशियन टाउन्स एंड स्क्रिप्चर एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड ड्यू टू कोविड-19 वी हैव टू स्टार्टेड ऑनलाइन स्टडीज ऑन यूट्यूब। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोहनजोदड़ो और हरप्पन कल्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हरप्पन कल्चर्स में लोथल ये सब जगहों पे अच्छी टाउन प्लानिंग्स की गई थी और बहुत ही अच्छी तरह से वो शहर बसाया गया था, जिसमें हमने घर के बारे में बात की थी। जो मतलब नॉर्मली अगर राजाओं का घर होता था तो वो कौन से डायरेक्शन में होता था और नॉर्मल पब्लिक का घर होता था वो कौन से डायरेक्शन में होता, उसकी हमने बात की थी। उसके बाद हमने उसके मेन रोड की बात की थी कि स्ट्रीट जो है वो एकदम पैरेलल होता है मेन रोड से और रोड जो है वो हमेशा इंटरसेक्ट होता है राइट एंगल पे, और ये दो टाइप के शेप बनाता है, या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल। एविडेंस ऑफ नाइट लाइट सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्टेन ऑन पब्लिक रोड, और ये भी पाया गया है कि उस समय पे रात को लाइट भी जलती थी, जिस तरह से स्ट्रीट लाइट जलती है ना पब्लिक रोड पे, उसी तरह से उस समय पे भी स्ट्रीट लाइट जैसी चीज़ें थी। देयर आर हाईली डेवलप्ड एंड सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ वाटर, और यहाँ पे डिस्पोजल पानी के गंदे पानी को डिस्पोजल करने के लिए भी जगह बनाई गई थी कि वो पानी कहाँ जाएगा। जो गंदा पानी उस समय पे निकलता था वो पहले स्मॉल सीवर से यानी छोटे पाइपलाइन से होते हुए यानी छोटे जगह से होते हुए नाले से होते हुए बड़े नाले में जाते थे, और उसके बाद ये बड़े नाले जो है टाउन के बाहर फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, ये पब्लिक बाथ। इसके बाद मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पब्लिक बाथ भी मिला है जो एकदम सेंटर में था, और इसके बीच में पॉन्ड था और यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ भी थी उस बात के अंदर। ठीक है, और लोग जो है फेस्टिवल के टाइम पे ये ज़्यादातर यूज़ करते थे, और इसी पब्लिक बाथ में अलग अलग रूम थे कपड़े चेंज करने के लिए। ठीक है, और बोथ साइड वेयर दोनों ही साइड पे तुमको यहाँ पे स्टेप्स देखने को मिलता था। द पब्लिक बाथ वुड हैव बीन, तो यहाँ पे मैं वही लिखा है कि फेस्टिवल के टाइम पे ज़्यादातर ये पब्लिक बाथ का इस्तेमाल किया जाता था, और ये पैरेलल हाउस जो है पैरेलल हाउस यूज हैज असेंबली हॉल्स हैज़ बीन फाउंड इन, और ये भी पाया गया है कि बहुत सारे पिल्लर हाउस जो थे उसको असेंबली हॉल की तरह इस्तेमाल करते थे मोहनजोदड़ो के समय पर। और हरप्पा हिल्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट साइट लोकेटेड इन मोंटेगो मेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, हरप्पा मस्ट हैव बीन द मेन टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस समय पर हरप्पा जो था वो मेन टाउन गिना जाता था उस वहाँ का। द मेन फीचर्स ऑफ हरप्पा इज ग्रीनरी, तो देखो ज़्यादातर मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करो तो हरप्पा की क्या थी, खासियत क्या थी, तो ग्रेनरी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रेन्स होते थे, और वहाँ पे लगभग जो है 12 ग्रेन स्टोर थे जो एकदम रवि नदी के किनारे पे थे। अब आगे रीड करेंगे क्या लिखा है। लोथल हिल्स सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भागरवो रिवर्स इन धोलका तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो लोथल जो है वो भागरवो रिवर के किनारे में आता है जो धोलका तालुका में, और धोलका जो है वो अहमदाबाद में आता है, और लोथल वाज एन कमर्शियल पोर्ट, और लोथल को कमर्शियल पोर्ट भी कहा जाता है, यानी वहाँ से बिजनेस भी होता था और पुरानी वहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउन भी हमने देखा है। और वहाँ पे ज़्यादातर जो है यानी घर या कोई भी चीज़ जो बनी थी लोथल में वो ज़्यादातर जो है ब्रिक से बनी हुई थी यानी ईंट से बनी हुई थी, और वहाँ पे बड़े बड़े डॉकयार्ड्स भी पाए गए हैं। इट कैन बी एज्यूम दैट द वेसल्स सीप अराइविंग हियर वेयर यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, इन एडिशन वेयर हाउसेज एंड बिल्ड्स फैक्ट्रीज हैव बीन फाउंड हियर, सो इट कैन बी सेड दैट लोथल वॉज प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ एशियन इंडिया एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन डन थ्रू द पोर्ट ऑफ लोथल। और वहाँ पे अलग अलग पोर्ट भी थे जिससे हमको ये पता चला कि वहाँ पे शिपिंग भी होती थी, जहाँ पे गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग होती थी, यानी गुड्स को ले जाया जाता था। गुड्स यानी क्या होता है, जो माल सामान होता है ना उसकी लोडिंग और अनलोडिंग होती रहती थी, और वहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट भी थे, तो हम ये बोल सकते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन में यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था। इंटरनेशनल ट्रेड यानी बाहर की कंट्री से भी हमारा यहाँ पे बिजनेस होता था, लोथल में आता था। उसके बाद हम देखेंगे डॉकयार्ड की बात करेंगे, डॉकयार्ड ऑफ लोथल पोर्ट। तो देखो यहाँ पे एक इमेज दिया है जहाँ पे डॉकयार्ड दिया गया है। धोलावीरा इज आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन कादिरबैट एरिया इन भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो देखो धोलावीरा की बात करें तो वो भी एक आर्कियोलॉजिकल साइड है, यानी बहुत ही पुरानी साइड है जहाँ पे जो कहाँ पे है, तो कादिरबैट एरिया में जो भचाऊ में है।
ठीक है, और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बचा हुआ आता है। जनरली द हरप्पन टाउन्स आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, तो हरप्पन टाउन जो है वो दो हिस्सों में बांटा गया था। वाइल द टाउन ऑफ धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है कैथेड्रल फोर्ट, दूसरा है अपर टाउन, तीसरा है लोअर टाउन। ठीक है, द मेन स्पेशलिटी ऑफ धोलावीरा टाउन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स एंड स्टेडियम। तो देखो धोलावीरा की मेन खासियत क्या थी कि वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया गया था, जिसमें बारिश का पानी जो है ना स्टोर करके रखा जाता था अच्छी तरह से, और वहाँ पे बड़े स्टेडियम्स भी थे। काली बगान टाउन ऑफ राजस्थान, तो देखो राजस्थान का जो काली बगान टाउन है उसे मेन हेडक्वार्टर माना जाता है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का, यानी वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से खेती बाड़ी ये सब चीज़ें होती थी और वो खेती बाड़ी के लिए ही जाना जाता था। द रिमेन ऑफ फार्म है हियर प्रोवाइड प्रूफ ऑफ दिस द कॉपर रेसिड्यू फाउंड हियर प्रूव दैट द कॉपर मस्ट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड हियर एंड दीज टूल्स माइट हैव बीन यूज इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे इसके अलावा इस फार्म के अलावा, फार्म के तो प्रूफ मिले ही है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर तो होता ही था, इसके अलावा कॉपर का भी इस्तेमाल किया जाता था बहुत सारी चीज़ों में, यानी कॉपर के अलग अलग टूल्स बनाए जाते थे जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते थे। देयरफॉर द टाउन प्लानिंग ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन वेयर वेल ऑर्गेनाइज, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और ज़्यादा अच्छे इंजीनियर ने उसे बनाया था और बहुत ही अच्छी तरह प्लान करके और अच्छी तरह इफिशेंसी से यानी बहुत ही मेहनत करके बनाई गई थी। इट इज़ वंडरफुल रिफ्लेक्शंस ऑफ द गवर्निंग पावर ऑफ रूलिंग एट लाइन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि उस समय का गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग था, जिसकी वजह से उसने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स अच्छे अच्छे क्राफ्टमैन को चुना था ये सब बनाने के लिए, यानी उनकी टाउन बनाने के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे इंजीनियर अच्छे अच्छे इंसानों को चुना था जो बहुत ही ज़्यादा समझदार थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या लिखा है, द इकोनॉमिक लाइफ इन हरप्पन सिविलाइजेशन। पीपल ऑफ इंदूस वैली सिविलाइजेशन वेयर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर। तो देखो इंदूस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर जो है कौन सी एक्टिविटी करते थे जिससे उनको पैसा मिलता था, तो देखो एग्रीकल्चर है, दूसरा है लाइफ स्टॉक रियरिंग, ट्रेड, सिल्क इंडस्ट्री, तो ये सब चीज़ें वो काम करते थे इन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की बात करें तो वो ज़्यादातर कौन से क्रॉप को उगाया करते थे, तो वीट, बार्ले, पीस, सिसम, मस्टर, ये सब चीज़ों को उगाया करते थे। और उस समय पे लैंड को यानी ज़मीन को खेदने के लिए प्लग का इस्तेमाल किया जाता था। और एनिमल्स कौन से इस्तेमाल किए जाते थे उस समय खेती बाड़ी के लिए, तो काउ, बफेलो, गॉट और बुलॉक का इस्तेमाल किया जाता था। और दे वेर एंगेज इन इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड, और दोनों ही जो यानी दोनों टाइप के जॉब करते थे, इंटरनल भी जॉब करते थे, इंटरनल बिजनेस भी करते थे और इंटरनेशनल बिजनेस भी वो करते थे। हिस्टोरियन बिलीव दैट दैट कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस हियर यूज टू रीच मेस्टोफोनिया एंड इजिप्ट विया मेसोपोटामिया। तो यहाँ पे देखो हिस्टोरियन को ऐसा लगता है कि यहाँ से कॉटन क्लोथ जो है ना प्रोड्यूस होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाते थे, जैसे मेसोपोटामिया से लेके इजिप्ट तक वो पहुँचाया जाता था। इन एडिशन ऑफ दिस पीपल लिविंग हियर वेयर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोफेशन लाइक, तो यहाँ के लोगों का और भी कुछ प्रोफेशन थे, जैसे पॉटरी का बनाना यानी मिट्टी के बर्तन बनाना, इसके अलावा मेटल वर्क करना, बीड मेकिंग करना, स्कल्पचर बनाना, ये सब चीज़ें इनका काम था, यानी उन लोग एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे काम करते थे। सोशल लाइफ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, अब देखो तौर तरीके की बात करें कि वहाँ के लोग किस तरह से अपनी लाइफ को जीते थे उसके बारे में हम देखेंगे। द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंदूस वैली सिविलाइजेशन वेयर एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग। देखो तो मेन काम जो था लोगों का इंदूस वैली सिविलाइजेशन में तो वो एग्रीकल्चर था और लाइफ स्टॉक रियरिंग था। पीपल ऑफ दिस टाइम यूज टू हैव वीट, बार्ले, मिलेट, पीस, सिसम, डेट, पाम एक्सेट्रा इन देयर डाइट। तो देखो यहाँ के लोग यानी क्या क्या चीज़ें खाते थे, तो वीट, बार्ले, मिलेट, पीस, सिसम और डेट पाम, ठीक है, यानी खजूर, इन वो अपने खाने में ये सब चीज़ें खाना पसंद करते थे। ड्यू टू पेट्रोलिज्म कैटल रियरिंग, इसके अलावा वो कैटल रियरिंग भी संभालते थे, कैटल रियरिंग यानी एनिमल्स को संभालते थे। धेयर डाइट कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो, तो इसलिए यानी जानवरों को भी पालते थे, इसकी वजह से उनके पास
दूध भी अवेलेबल था और दूध से बने हुए अलग अलग प्रोडक्ट भी वो खाते थे, ठीक है, उस समय पे। ए फिशिंग हुक हैज़ बीन फाउंड, और इसी में यानी इंदुस वैली सिविलाइजेशन में, हरप्पन सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत और भी दूसरी चीज़ें मिली, जैसे फिशिंग हुक मिला, जिससे ये पता चला कि वो लोग फिश भी खाया करते थे, यानी फिशिंग करके फिश भी खाया करते, यानी उसके खाने में फिशिंग भी थी। वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अटायर ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम सो ऑन द बेसिस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम द इंदुस वैली सिविलाइजेशंस। इंदुस वैली सिविलाइजेशन से, स्कल्पचर से, यानी कुछ मूर्तियों से हमको ये पता चला कि उस समय के लोग किस तरह के कपड़े पहना करते थे। मैन एंड वुमन हैव वोर टू क्लोथ्स, तो देखो आदमी और औरत दोनों ही जो है दो कपड़े पहनते थे। दे वोर क्लोथ सिमिलर टू धोती ऑन देयर वेस्ट, तो देखो जो मैन होते थे वो धोती पहनते थे उनके वेस्ट पे, और इन द अपर पार्ट दे रैप ए शॉर्ट क्लोथ, और जो अपर पार्ट पे वहाँ पे छोटी छोटा सा शॉर्ट क्लोथ पहनते थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या लिखा है, ये स्टोन स्टैचू फाउंड इन मोहनजोदारो वियरिंग गारमेंट्स। तो यहाँ पे हम एक स्टैचू देख सकते हैं जिसने कपड़े पहने हुए हैं, और यहाँ से हम उसका पता लगा सकते हैं कि मोहनजोदारो के टाइम पे लोग किस तरह के कपड़े पहना करते थे। ठीक है, तो शॉर्ट क्लोथ जो है वो कहाँ तक आता है, तो शोल्डर तक आता था, और दे मेनली यूज कॉटन क्लोथ्स, और ज़्यादातर जो है वो कॉटन क्लोथ्स पहना करते थे, और दे वेयर ऑल्सो फैमिलियर विथ वुलन क्लोथ्स, और इसके अलावा कॉटन क्लोथ्स के अलावा उन लोग वुलन क्लोथ्स का भी इस्तेमाल करते थे। और हैज़ द नीडल्स ऑफ मेटल्स एंड आइवरी हैव बीन फाउंड, वी कैन एज्यूम दे वोर स्टिच क्लोथ्स एंड ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल वोर अनस्टिच क्लोथ्स। तो यहाँ से हमको नीडल्स भी, यानी आर्कियोलॉजिस्ट को नीडल्स भी मिले थे, जिससे हमको ये पता चला कि उन लोग सिलाई करके ज़्यादातर कपड़े पहना करते थे। ठीक है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल वोर अनस्टिच क्लोथ, और ज़्यादातर लोग तो जो है अनस्टिच क्लोथ ही पहनते थे, यानी कोई सिलाई वाला क्लोथ्स नहीं पहनते थे। मगर हमको ये पता चला कि नीडल्स मिलने से ये पता चला कि वहाँ पे लोग सिलाई भी करते थे। पीपल ऑफ दिस टाइम वोर ऑर्नामेंट्स, तो देखिए उस समय के लोग जो है अलग अलग ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे, जैसे नेकलेस, रिंग, हैंड ब्रेसलेट, वेयर वॉन बाई वुमन एज वेल एज मैन, दोनों ही लोग, यानी नेकलेस, रिंग और ब्रेसलेट की बात करो तो वो मैन भी पहनते थे और वुमन भी पहनती थी। और वुमन जो है ज़्यादातर क्या चीज़ें पहनती थी, तो बैंगल्स, यानी इसके अलावा क्या क्या चीज़ें पहनती थी, तो बैंगल्स, ईयर रिंग, वेस्ट बेल्ट, एंकलेट्स, ये सब चीज़ें पहनती थी, जो ज़्यादातर किसकी बनी हुई होती थी, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन्स से बनी हुई थी। पीपल ऑफ इंदुस वैली सिविलाइजेशन मेड यूटेंसिल्स, तो देखो इंदुस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बहुत सारे बर्तन भी बनाए थे जो अर्थन वेयर होते थे, यानी पत्थर मिट्टी से बने हुए थे, जैसे पॉट, ये सब चीज़ें मिट्टी से बनी हुई थी। उसके अलावा कॉपर से भी बनती थी, इसके अलावा ब्रॉन्ज से भी बनती थी। और इनके यूटेंसिल्स में क्या क्या चीज़ आती थी, तो मग, बाउल, अर्थन मग, मेटेलिक पॉट, सॉसर्स, कैसर रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पीपल ऑफ इंडिया इंदुस वैली सिविलाइजेशन मेड स्पेशल टाइप्स ऑफ टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रन। तो पीपल जो ऑफ इंदुस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो ज़्यादातर जो है अलग टाइप के टॉयज बनाते थे अपने बच्चों के लिए, जिसमें क्या क्या चीज़ आती थी, तो देखो बर्ड शेप विसल आती थी, रैटलर्स आते थे, कैरेज आते थे, जो हम देख सकते हैं बाजू में एक टॉयज दिया है जो है एक कैरेज का ही दिया हुआ है, बैलगाड़ी जैसी लग रही है, ठीक है, वो चीज़ें खिलौना है। इसके अलावा क्या, कार्ट, मार्बल, टॉयज इन द शेप ऑफ बर्ड, बर्ड के भी टॉय बनाए जाते थे, एनिमल के भी टॉय बनाई जाती थी, इसके अलावा मैन और वुमेंस के भी टॉय बनाए जाते थे उस समय पे। इन ए वे क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिज ऑफ दिस पीपल इज एक्सप्रेस इन दिस टॉय। इस टॉय से हम ये बता सकते हैं कि उस समय के लोग कितने ज़्यादा कलाकार थे और उन्होंने कितना अपने कला का इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे टॉयज बना सकते थे, ठीक है। और टॉयज लाइक हेड सिकिंग एनिमल्स एंड मंकी क्लाइंबिंग ट्रीज वेयर सीन हियर। और इसके अलावा ऐसे भी टॉय पाए गए जिसमें एनिमल के टॉय जो है वो अपना सर भी हिला सकते थे, ठीक है, नहीं इस तरह के टॉय बनाए गए थे। और मंकी भी बनाया गया था जो क्लाइंब कर सकता था ट्री, यानी इस तरह के भी बनाए गए थे जो मॉडर्न इक्विपमेंट में हम देख सकते हैं, मॉडर्न टॉयज में देख सकते हैं, वही चीज़ जो है हमको ओल्ड टॉयज में भी देखने को मिली।
तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी उसके बारे में देखेंगे। तो देखो लोथल में जो है डॉकयार्ड पाया गया था, जिससे हमको ये पता चला कि वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है। लोग जो है पहले के ज़माने में बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह आते थे नदियों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमी के लाइफ के बारे में हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिस तरह से किस तरह से वहाँ के लोग जो है पैसे कमाते थे। तो मैंने बोला था एग्रीकल्चर मेन मेन चीज़ थी, उसके बाद कैटल रियरिंग थी, उसके बाद सिल्क इंडस्ट्री में भी वो लोग काम करते थे, और फिर उनके खाने में क्या क्या चीज़ें आती थी तो उसके बारे में भी हमने बात की, जैसे व्हीट, बार्ले, मिलेट, पीस, सीसम, डेट पाम, और इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट और फिश भी आती थी। और उसके बाद हमने टॉय के बारे में पढ़ा था कि टॉय वो कौन सी चीज़ें बनाती थी और कपड़े किस तरह के पहनते थे, वो सब की हमने बात की। तो इसमें तुमको क्या करना है कि जो टॉयज वाला लास्ट पैराग्राफ है ना, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसे वन टाइम अपने नोट में लिख लेना। थैंक यू।